माही आना आया मेरा, माही आना आया, माही आना आया मेरा, माही आना आया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाए। तो दोस्तों आज की जो जनरी है वो है लेंस डाउन की। लेंस डाउन पहाड़ी क्षेत्र के हरे भरे वातावरण में स्थित है और इसे सन 1887 ईस्वी में ब्रिटिश काल में बसाया गया था। इसका मूल नाम है कालू डांडा था, जिसको गढ़वाली में भाषा में कहते हैं काला पहाड़। और इसकी ऊंचाई जो है समुद्र तट से 1706 मीटर है और दिल्ली से यह हिल स्टेशन काफ़ी नज़दीक है और पास से 6 घंटे में लेंस डाउन पहुंचा जा सकता है। बाइक से लेंस डाउन जाने के लिए आनंद विहार के रास्ते दिल्ली से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद मेरठ बिजनौर कोटद्वार होते हुए लेंस डाउन पहुंचा जा सकता है। और आज हम जा रहे हैं बिजनौर से कोटद्वार होते हुए लेंस डाउन पहुंचेंगे। और ये देखिए नज़ारा जो है लेंस डाउन के पास ही स्थित एक हिल स्टेशन है, पहाड़ी है, उससे जो मैंने अपने मोबाइल से जो है कैप्चर किया है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत एंजॉयबल नज़ारा है। और ये जो देखिए पेड़ हैं बहुत ही लंबे लंबे और बहुत खूबसूरत पेड़ हैं। इन पेड़ की वजह से जो है पहाड़ खिसकते नहीं है, इन पेड़ का यहाँ पर होना बहुत ही अनिवार्य है। और देखिए ये कितनी खूबसूरत नज़ारा है, मैं अपने अल्फाज से बयां नहीं कर सकता, आप देख लीजिए कितना खूबसूरत नज़ारा। और हम चल दिए एक बार फिर से। और गाइस मैं आपको बता दूँ कई जगह जो है रास्ता में डैमेज मिलने वाला है और यहाँ पर जो आप जाएंगे तो बहुत ही ध्यान से जाएंगे क्योंकि रास्ता जो है बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है और बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है यहाँ का। और इस तरीके का जो एटमॉस्फेयर है इसके बारे में मैं आपको बताऊं। और ये देखिए होटल है यहाँ पर, काफ़ी होटल रिसोर्ट आपको मिल जाएंगे। जब मैं घर से चला तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और यहाँ पर आलम यह है कि अगर कोई मुझे ब्लेज़र या गर्म कपड़े दे तो मैं वो पहन लूँगा क्योंकि यहाँ जो एंट्री करते ही काफ़ी ठंडा एरिया स्टार्ट हो गया है। और ये जो पेड़ हैं बहुत महंगे महंगे पेड़ हैं और देखिए हमें जो है वहाँ पर काफ़ी अच्छा जो मज़ा है वो मिलने वाला है क्योंकि अभी रास्ते से ही मुझे लग रहा है कि हमारे जो है पैसे वसूल हो गए। काफ़ी टूरिस्टों की हमें जो है गाड़ी अभी मिल रही है और आई होप कि वहाँ पर बहुत भीड़ हो शायद। और ये देखिए ये जो भाई साहब हैं बाइक से जा रहे हैं और ये वहाँ पर ही काम करते हैं, बहुत ही लुत्फ उठाते हैं बाइक से। बाइक का एक अपना अलग मज़ा है और वैसे ही अपना एक अलग मज़ा है गाड़ी से। तो ये देखिए कितना मनोरम दृश्य आप देख सकते हैं और ये भी एक होटल है। तो गाइस यहाँ पर एक द्वार पड़ने वाला है, वो द्वार जो कहा जाएगा प्रीतम नई शताब्दी द्वार कहा जाएगा इसको। बहुत खूबसूरत द्वार है, ये मज़ा आ गया देख कर के। तो गाइज ये जो द्वार था बहुत ही प्यारा द्वार है और फिलहाल जो है हम एंट्री कर गए हैं इस टाइम। और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती है यहाँ पर और कितना साफ सफाई का जो है अभी आने। ये देखिए स्टैचू है और आगे आपको जो है अच्छा एक चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी यहाँ पर लगी कि ये बहुत ही नीट और क्लीन एरिया है, ऐसा नहीं है जगह जगह गंदगी है और इस तरीके की जो चीज़ है वो हमें कहीं देखने को नहीं मिली। और अगर रेटिंग की बात हो तो मैं इसको दूंगा 10 में से 12 पॉइंट क्योंकि जब हम गए थे तो कुछ लोगों ने कहा कि कुछ वहाँ पर है नहीं, लेकिन हमें तो इतना मज़ा आया वहाँ पर कि बहुत ही ज़्यादा। और अभी एक जो फाइटर प्लेन है वो भी अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ और ये देखिए कितना शानदार फाइटर प्लेन। और ये फाइटर प्लेन जो है इसकी समरी भी है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। और यहाँ पर हम पहुँच गए टिपन टॉप पॉइंट पर और ये जो है हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ का। और वैसे तो इससे ऊपर भी जा सकते हैं लेकिन यहाँ पर जो है टूरिस्ट बहुत आते हैं, अगर आपको आना है तो आप यहाँ पर आइएगा, बहुत ही टूरिस्ट आपको मिल जाएंगे। और यहाँ से जिन लोगों को चक्कर आते हैं तो वो पीछे रह करके देखें क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है
के वो गिर भी जाते हैं। और ये देखिए कितना शानदार नज़ारा, और घर जो है जैसा आपने सुना होगा पहाड़ी पर एक घर ऊपर और एक घर नीचे, और इस तरीके से जो है ये घर बने हुए हैं। और रात में रियलाइज करिए अगर लाइट जो है बंद हो जाए और वो अंधेरा हो जाए और इन घरों में बल्ब जले और आसमान में तारे, ओ यार क्या औसम व्यू होगा यार, रात में तो मज़ा ही कुछ और आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा ये जो है ये जो घरों में जो लाइट जलेगी तो वो ऐसा शो ऑफ होगा वहाँ पर कि जैसे तारे जो है इसमें निकल रहे हैं, क्योंकि जब मैं कश्मीर गया था तब मैंने ऐसे ही नज़ारा देखा था। और हम जो है पहाड़ी पर थे तो जितना भी एरिया आपको दिखाई दे रहा है अगर मौसम साफ हो तो वो तारे दिखाई देंगे उसे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं, देखिए जो सीन का इंतजार था शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया, ओ बहुत बढ़िया। पानी रंग देख के मेरे साइड होगा भाई, साइड होगा। माहियाना आया मेरा, माहियाना आया, माहियाना आया मेरा, माहियाना आया, रांझणा ना आया मेरा, माहियाना आया, माहियाना आया मेरा, रांझणा ना आया खादा नूर वेख के, अखादा नूर वेख के कमली हो गई तेरे बिना जारा झड़ में, कमली हो गई तेरे बिना जारा झड़ मेरे, बारिश बरखा सब कुछ बह गई आया नी जिंद मेरे, बारिश बरखा सब कुछ बह गई आया नी जिंद मेरे, अखाला नूर वेख के, अखाला नूर वेख के। पता नहीं है ये हिडन पॉइंट है, और यहाँ बैठ करके अपन लोग मैगी खाने वाले हैं। और ये वो जगह है जहाँ पर हमें केरल से जो आए टूरिस्ट थे उनसे भेंट हुई थी। और यहाँ देखिए कितनी प्यारी तितली बैठी हुई है पेड़ों पर। ये जो है कैमरे की क्वालिटी जो है बहुत ही शानदार है।
तो गाइस ये देखिए व्यूज में मजा आ गया, मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाऊँ, लेकिन एटलीस्ट हमें जाना तो है ही। और अभी जो है प्यास लगी है बहुत ज़ोरों से, पानी भी हमको पीना पड़ेगा। और ये देखिए स्रोत्र जो है ये पानी पहाड़ों से आ रहा है और बहुत ही शुद्ध और निर्मल पानी है। आज हमने वही पानी पिया है जो पहाड़ों से आ रहा है, बहुत ही प्यारा पानी था और बहुत मीठा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, नेक्स्ट व्लॉग बनाएंगे। ये कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा और क्या रेटिंग।